हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शिबली नेशनल कॉलेज का जो एंट्रेंस फॉर्म है आवेदन का, उसको कैसे ऑनलाइन करेंगे, ये पूरा स्टेप अपनी वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को बिल्कुल आप भगा कर ना देखें, स्किप करेंगे तो आपको स्टेप कुछ स्टेप समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कहेंगे वीडियो क्लियर नहीं हो पाई। तो आप बिना भगाए वीडियो को कम्प्लीट देखिए तो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चल रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ शिबली नेशनल कॉलेज के वेबसाइट पर, और गूगल के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ खोल चुका हूँ, तो खैर मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप ये इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका जो है लिंक है यहाँ पे जो है वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ खोला हुआ है ये सारी, यानी आपको फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करना, भेजना नहीं है हार्ड कॉपी, ठीक है ना, भेजना नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप चले, ये फॉर्म को भरने से पहले पूरी चीज क्लियर आप पढ़ लीजिए, आपने हर चीज को कर लिया, और मेल आईडी वगैरह जो है दोस्तों वो एक ही बार यहाँ यूज कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले की मेल नॉट यूजिंग, यानी आपने इससे पहले यूज नहीं किया तो आपको फिर से वही यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाना, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये फॉर्म आपके सामने खुलकर आ चुका है। अब इस फॉर्म में दोस्तों आपको किस क्लास में लेना है ये आपको डिसाइड करना है। आप यूजी में चाहते हैं, पीजी में चाहते हैं, आप यूजी में लेना है, यूजी की किस क्लास में लेना है ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट ऑप्शन है वो बीए में मिलेगा, बीकॉम में मिलेगा, बीएससी बायो में मिलेगा, मैथ में मिलेगा, इन सब में आपको मिलेगा। और अगर एलएलबी में कोई ऑप्शनल नहीं है, बीबीए में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, इस सब में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों पीजी के अंदर भी आपको एमकॉम, एलएलएम और एमकॉम छोड़कर, क्योंकि इंट्रक्शन में कहा गया है, मैं यहाँ पे साफ साफ जो इंट्रक्शन है वो यहाँ कहा गया है, देख सकते हैं कि कोई कोर्स नहीं है, मैं आपको इसी इंट्रक्शन में बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट, बीबीए बीसीए एलएलएम एलएलएम वगैरह में है लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ एलएलएम को भी नहीं है, एलएलएम में नहीं है दोस्तों, वो गलती तो छूट गया है, और यूजी में भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों थोड़ा सा कुछ फॉर्म में कुछ दिक्कत आ रही है, इस फॉर्म को आप मैं एक मतलब फिर से ये फॉर्म में कुछ गलती है दोस्तों, ये फॉर्म रिसेट काफी देर तक, मतलब जो आपको रिसेट करके एक बार कर ले। मैं वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाएगी, यूजी ले लीजिए, किस क्लास में लेना है बीए में ले लीजिए, सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप यूज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये ले लिया, अब कैंडिडेट का नाम यहाँ आपको भरना होगा, तो मैंने कहा कैंडिडेट का नाम, ठीक है, मैंने भर दिया, मदर नेम मैंने कर दिया खातून, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, ठीक है, मेल फीमेल क्या है वो भर दीजिए, रिलीजन क्या है आपका, इस्लाम है भी आप भरना चाहें भर दीजिए, मेल आईडी, अब आपको यहां मेल आईडी भरना होगा, देख सकते हैं, अगर वैलिड ईमेल आईडी नहीं रहेगी तो ये तुरंत आपको बता देगा, देख सकते हैं, कोई भी मेल आईडी हो, जीमेल की हो या कोई भी हो, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी की भी कोई भी हो, मोबाइल नंबर आप कोई भी यूज कर लीजिए, मोबाइल नंबर आप मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये हो गया, और पेरेंट्स का कोई दूसरा नंबर ये डाल दिया, और आप अपना एड्रेस यहाँ भर दीजिए, एड्रेस पूरा आपको कंप्लीट भरना है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको एड्रेस भर के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, शिबली नगर पोस्ट ऑफिस सदर दिया, और पुलिस स्टेशन पोस्ट तो वाली हो गया, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ भी हो गया। अगर दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर ले, ये सारी चीज़ें दोस्तों। या पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, पोस्टल और परमानेंट का मतलब कि आपका पत्र व्यवहार पता अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भरिए, आप रहने वाले कहीं के हैं और आके आप रूम लेके रह रहे तो वो कहिएगा, ये चीज़ है दोस्तों। और अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम करने के बाद यहाँ टिक कर दीजिएगा, दोनों एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद किस क्लास का, मैंने कहा ट्वेल्थ का है, क्या है, मैंने कहा रिजल्ट अपियरिंग है, किस बोर्ड के, मैंने कहा यूपी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड कर दीजिए, मदरसा बोर्ड कर दीजिए, सीबीएसई कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, मैंने मदरसा, ठीक है, रोल नंबर डाल दीजिए,
और पासिंग ईयर क्या है, किस साल पास किया? तो मैंने कहा 2015 में, 2020 में, किस में अब डाल रहे? तो मैंने कहा 2021 में पास आउट है, ठीक है, ये अपीयरिंग कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो लगानी है, तो फोटो आप जो है लगा दीजिएगा, फोटो आसानी के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आ गया, मैंने इसको ले लिया। सिग्नेचर भी आपको लगानी है दोस्तों, इसकी 500 KB के अंदर नहीं, क्योंकि इंट्रक्शन में कहा गया, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे इंट्रक्शन जो है फोटो को लेकर, और ये सारी चीजें 500 ये देख करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें 500 की साइज का वो, और लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। ये सॉरी दोस्तों, ये वाइट बैकग्राउंड, और यहाँ पर कैटेगरी क्या है, जनरल है, ईवीएस है, एससी ओएसटी क्या है? तो मैंने कहा जनरल है, मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या है, स्पेशल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी आप यहाँ कोई स्टेट है, स्टेट या नेशनल के स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसको एक तरीके से कहते हैं कि छूट मिल जाएगी कुछ आपको, या आप स्टाफ मेंबर हैं, या एक हैंडीकैप है, या नॉट एप्लीकेबल कोई नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल अगर हैं तो किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपका क्या है, ये माइनॉरिटी है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग कर, आप संख्या के कि नहीं, अगर हैं तो उसको यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या बाहर के हैं, ये चीज का। उसके बाद नेशनलिटी क्या है, मैंने कहा इंडियन, इंडियन भर दिया। भरने के बाद, इतना होने के बाद दोस्तों इसको आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सारी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ के आप एग्री पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे, ये आप कुछ अगर छूटा होगा तो वो ले आएगा, नहीं तो आप सीधे पेमेंट ले आएगा। अब आप पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड पे चले जाइए, जिससे भी आपको पेमेंट करना है, कार्ड वगैरह नंबर डालिए, करिए, आपको पेमेंट हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये कुछ स्टेप थे जिसको मैंने बता दिया है, लेकिन फॉर्म भरने में थोड़ा केयरफुली भरिएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्म भरने में आसान है, आप खुद भर सकते हो। तो आप अपने से फॉर्म को करिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फॉर्म को पूरा मतलब जो है बता दूंगा कैसे कैसे क्या बनना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर पर भी जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप चाहें तो इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो खैर ये एक अपडेट था, मैं सोचा आपको बता दूं क्योंकि फॉर्म आज ही आया है। तो होप यू दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और दोस्तों यहाँ पे LLM के बारे में भी थोड़ा सा है, डिटेल्स में दे देता हूँ कि LLM का भी जो है ये आ चुका ऑनलाइन फॉर्म, ये मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो कैसी लगी मेरे द्वारा जानकारी आप मुझे जरूर बताइए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर सुरक्षित रहे, और LLM की जाके नोटिस आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी है, यानी 28 यानी कल से फॉर्म भरा जाएगा 2 जुलाई, फिर विलियम स्कूल के साथ 3 से लेकर 5 तक है, 6 तारीख को जो है ऑनलाइन फॉर्म संशोधन की दी है, उसके बाद किए गए महाविद्यालय के 8 तारीख है, 9 है, फिर ये है। तो वो भी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।